दोस्तों, चोरों के लिए चोरी एक पेशा है और उन्हें इस काम में कुछ भी गलत नहीं लगता। अलग अलग चोरों के अलग अलग चोरी करने के तरीके होते हैं, लेकिन मकसद सभी का एक ही होता है, चोरी करना। चोरों की बेवकूफी और चालाकी काफी बार कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जो हमने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी दिखाया है, जिसे आपने काफी पसंद भी किया। तो आज की ये वीडियो उसी सीरीज का एक हिस्सा है। आज वाली वीडियो के चोर तो और भी ज्यादा महान है, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, भाई क्या दिमाग चलाते है यार ये लोग। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाले चोर तो आपके होश ही उड़ा देंगे। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। किसी को सामने से ठगना इन चोरों का रोज का काम हो गया है। कोई भी चोर किस बहाने से आपसे बातचीत या फिर मदद का बहाना करके आपको ठग ले, यह कहा नहीं जा सकता। एटीएम से पैसे निकालने आए इन दोनों लोगों को जब अपना कार्ड इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ रही थी, तो इस चोर ने उन्हें सहानुभूति दिखाते हुए उनकी मदद करने का नाटक किया। और इस अनजान मदद का कारण जरा गौर से देखिएगा। पहले तो इसने उस आदमी का कार्ड मशीन में डाला और उसे पासवर्ड डालने को कहा, और इसने तभी एटीएम पिन देख लिया। फिर उसने अपने मुंह में रखी रिसिप्ट नीचे डालकर उस आदमी को फिर से उठाने को कहा, और तभी उसने मौका देखकर उस आदमी का कार्ड दूसरे कार्ड से बदल भी लिया और उसे एटीएम में इंसर्ट कर दिया। फिर क्या था, चोरों ने तुरंत कल्टी भी ले ली। उस आदमी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। इसलिए आप भी ऐसे मामलों में सतर्क रहे और किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी मदद न ले। 2017 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो है, जिसमें एक आम सा दोपहर का दिन हमें दिखाई देता है। लेकिन फिर बाइक पर सवार तीन आदमी एक गाड़ी के पास आकर रुक जाते हैं, जिसमें से दो लोगों ने हेलमेट पहन रखा था और तीसरे आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। इन तीनों का मकसद एक ही था, गाड़ी में बैठे लोगों को लूटना। सही मौका देखकर उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और उस आदमी को बंदूक की नोक पर गाड़ी को अनलॉक करने को कहा, जिसके बाद उन तीनों चोरों ने 2 लाख रुपए कैश और गाड़ी में बैठी महिला के सारे जेवर और फोन लूट लिए। ऐसा करते हुए सीसीटीवी के अलावा उन्हें काफी लोगों ने भी देखा, लेकिन बंदूक के डर से किसी ने भी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि एक भाई साहब हीरो बनकर वहां पर आ गए थे, लेकिन फिर बंदूक देखकर उन्होंने भी तुरंत कल्टी ले ली। कुछ लोग अपनी ही धुन में लगे रहते हैं और लापरवाही बरतते हैं, जो चोरों के लिए सुनहरा मौका होता है। जैसे कि इस वीडियो में देखा जा सकता है, कुछ लोग स्टोर में खड़े अपने पैसों का कलेक्शन गिन रहे थे, जिसके बाद एक आदमी ने उन पैसों को अपने हाथ में पीछे करके पकड़ रखा था। इतने में पीछे से एक चोर आया और उस आदमी के हाथ से पैसे उड़ा ले गया। पहले तो उन्हें लगा कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो चोर भागने लगा तब ये सब उसके पीछे दौड़े चले गए, लेकिन वो चोर वहां से बच के निकल गया। शायद इस सबक के बाद ये पैसों को जेब में रखना सीख जाएंगे। अप्रैल 2016 में रिकॉर्ड किया गया गुजरात के एक हाउसिंग सोसाइटी का ये वीडियो है, जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। चोर कितने शातिर हो सकते हैं, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो को देखकर चल जाएगा। रात के वक्त जब इस सोसाइटी के अंदर सामसुम माहौल था, तभी कुछ लोगों की टोली हमें दिखाई देती है। यहाँ तक कि अपने पैरों से आवाज होकर किसी को भनक भी न हो, इसलिए वो लोग अपनी चप्पलें हाथों में लेकर चलते हमें दिखाई देते है। ये पहले तो घूमकर हर घर का मुआयना करते है कि कोई घर लॉक तो नहीं, और फिर उस घर को चुनते है जहाँ पर ताला लगाया गया हो या फिर उस घर के लोग गाँव गए हो। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर उस समय उन्हें किसी और भी घर का दरवाजा या फिर खिड़की खुली मिल जाए, तो वो वहां भी घुस के चोरी को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन सीसीटीवी होने के कारण उनकी सारी हरकतें सिक्योरिटी गार्ड ने देख ली और तुरंत उसने डंडा लिया और उनके और चल पड़ा। गार्ड को आते देख सभी लोग वहां से रफूचक्कर हो गए। दुनिया में शायद ऐसा कोई काम है जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती। अच्छा काम हो या फिर बुरा, जैसा काम वैसा उसका परिणाम भी होता है, जिसका एक नमूना अभी आप देखने जा रहे हैं। ये जनाब काफी मेहनत करने के बाद एक कपड़े की दुकान में घुस गए, जहां एक लॉकर रखा हुआ था जिस पर उसने काफी दिनों से नजर रखी हुई थी और जिसे लूटने का उसने मन भी बना लिया था। और एक रात वो अपने इस कारनामे को अंजाम देने के लिए इस शॉप में घुस गया और सीधा उस लॉकर की तरफ बढ़ा और उसे वहां से निकालने की बहुत कोशिश करने लगा। काफी मेहनत से उसने वो लॉकर वहां से निकाला और अपने साथ लेके वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन घर जाकर जब उसे पता चला कि वो लॉकर तो खाली ही था।
क्योंकि दुकान मालिक ने बताया कि उसने उसी दिन किसी बिजनेस के कारण सारा पैसा निकाल लिया था। चेहरा छुपाना चोरों के लिए बेहद बुनियादी और जरूरी होता है, जो हर चोर चोरी करने से पहले छुपाता भी है, फिर वो मास्क से हो या फिर हेलमेट से। लेकिन इन साहब को चेहरा छुपाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए उसने चोरी करने गए हुए घर में से ही अपना तेज दिमाग चलाकर अपने ही तरीके से मास्क बना लिया। पहले तो इसने वहीं से कुछ पेपर उठाकर कैमरे को मास्क पहनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसका फेस दिख गया था। फिर उससे नहीं जमा तो इन महाशय ने टॉयलेट पेपर से ही अपना मुंह ढक लिया। सच में कुछ लोग बहुत ही अतरंगी होते हैं। अगली वीडियो एक खचाखच भरे दुकान की है, जहां काफी लोग हैं। इतने लोगों में जहां किसी एक से बात करना मुश्किल हो जाता है, इस चोर ने बहुत ही सफाई से दुकानदार की आंखों के सामने से उसका मोबाइल फोन उड़ा लिया। इसके लिए सबसे पहले उसने टेबल पर एक बैग रखी और फिर धीरे से उसके नीचे से हाथ डालकर मोबाइल फोन को चुरा लिया। और इतने सब लोग वहां पर होने के बावजूद भी किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी और फिर वो चुपचाप वहां से निकल गया। दिखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे सब नॉर्मल है और लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, लेकिन अब जरा इस लुंगी वाले आदमी पर गौर करना, जो सीधा लग रहा है लेकिन है नहीं, जिसने मोबाइल शॉप में काम कर रहे लड़के को बिजी देख के चुपके से एक फोन आसानी से बिना डरे निकाल लिया और एश्योरिटी भी ली कि कोई उसे देख नहीं रहा। फिर क्या था, चाचा फोन लेकर सीधा 9:11 हो गए। इस आदमी का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है जैसे ये इस फील्ड का काफी बड़ा पुराना खिलाड़ी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। एक मोबाइल के दुकान की ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की कुछ सामान खरीदने के बहाने से आए हैं। वो महिला दुकानदार को इशारे से बताते हैं कि उन्हें उस कबड़ में रखा हुआ स्पीकर देखना है, जिसे वो लड़का खुद ही लेता है और खोलकर चेक करने लगता है। उसी दौरान जब उस महिला का उनके तरफ ध्यान नहीं था, तब उस लड़की ने उसी कबड़ में से एक मोबाइल फोन उठाकर चुरा लिया और बाद में दोनों ने स्पीकर पसंद नहीं आया ये कहकर वहां से पतली गली पकड़ ली। लेकिन ऐसा करते वक्त वो थोड़ा सोच लेते उस महिला और मासूम बच्चों के बारे में, जो मेहनत से पैसा कमा रहे थे। चोरों का काम चोरी करके निकल जाना होता है, लेकिन कुछ लोग वहां पर भी अपनी कलाकारी का नमूना देने लगते हैं। जैसे कि मई 2015 का ये वीडियो है, जिसमें एक लड़का चोरी करने से पहले कैमरे के सामने डांस परफॉर्मेंस करते हमें दिखाई देता है। कुछ सेकंड्स अपना डांस दिखाने के बाद उसने स्टोर के डोर को लात मारी और तोड़ दिया और फिर बाद में उसके साथी ने आगे की चोरी कंप्लीट कर ली। लेकिन उसकी ऐसी बेवकूफी से वो थोड़ी ही दिनों में पकड़ा गया। शायद उसे कैमरा देखकर डांस करने का मन किया होगा, जिसकी वजह से वो मशहूर भी हुआ। लेकिन पुलिस वालों में सड़क पर दिन दहाड़े चोरी करने के कई वाकये सामने आते रहते हैं, जहां लोग नए नए तरीकों का इस्तेमाल करके चोरी को अंजाम देते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप बड़ी अच्छाई के साथ इन चोरों को चोरी करते हुए देखेंगे, जहां एक आदमी गाड़ी में बैठे ड्राइवर को इंसानियत दिखाते हुए बताता है कि गाड़ी के बाहर कुछ पैसे गिरे हुए हैं। ये सुनकर गाड़ी का ड्राइवर उन्हें उठाने के लिए बाहर उतरता है और उसी दौरान दूसरी तरफ से एक चोर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर रखे बड़े से बैग को चुरा कर ले जाता है, जिसके बारे में उस कार ड्राइवर को शायद पता भी नहीं चला होगा। तो देखा आपने लोग चोरी के किस तरह के नए नए तरीके ढूंढ निकालते हैं। इस वीडियो में देखी जाने वाली चोरी आपके होश उड़ा देगी। कुछ महिलाएं एक कपड़े की दुकान में आती है और वहां काम करने वाली लड़की से कुछ कपड़े दिखाने के लिए कहती है। तब बाकी दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया और एक एक करके उन्होंने वहां से कपड़े उठाकर उनकी साड़ी में बने बड़े सीक्रेट पॉकेट में डाल दिए, जिसके बारे में शायद ही सीसीटीवी के बिना किसी को पता भी चलता। ये आंटियों तो बहुत ही ज्यादा शातिर निकली, जिन्होंने साड़ी में ऐसा पॉकेट बना दिया। दुनिया भर में जितनी चोरियां हो रही है, सभी उनसे वाकिफ है और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। ज्वेलरी की दुकान अक्सर चोरों का निशाना होता है। इस अगले वीडियो में इसी तरह का एक प्रैंक किया गया था, जिसमें एक लड़की कोई अच्छा सा हार पसंद करती है और उसे पहनकर ट्राई भी करती है। हार पहनते ही वो वहां से भागकर दूर लगे एक शीशे में खुद को देखने जाती है, जिसे देखकर दुकान में काम करने वालों को ऐसा लगता है कि लड़की वो हार चुरा कर भाग रही थी। लेकिन बाद में उसे शीशे में देखते हुए उन्हें खुद पर ही हंसी आ जाती है। दोस्तों, अगर आपकी दुकान में कोई आपके साथ ऐसा प्रैंक करता है तो आप क्या करते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 5 भी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में पार्ट 5 लिख के जरूर बताना। और आपको इस वीडियो में से कौन से चोर सबसे ज्यादा हैरान करने वाले लगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार हो सके तो एक लाइक कर देना और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोग ऐसे चोरों से वाकिफ हो सके।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।